तो चले भाई, फाइनली हमने निधि को फोन दिला दिया है। तो हेलो तो भाई ये मेरी बहन है। तो भाई आज क्या है, निधि के चैनल की फर्स्ट इनकम आ गई है लगभग। थोड़ा बहुत उसमें हमें मिलाना पड़ेगा और भाई आज निधि को दिलाने जा रहा है आईफोन। ट्राई करेंगे अगर इसके लिए भी कुछ ले ले, गरीब है, इस पे तरस खाओ। तो भाई इन दोनों के चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं फिर इन लोगों के लिए आईफोन लेने। वो भाई क्योंकि आईफोन से क्या थोड़ी ब्लॉगिंग क्वालिटी इन लोगों की बढ़ जाएगी। तो भाई देखते हैं अभी हमें वहां जाके कौन सा फोन पसंद आता है। हाँ तो देखो भाई निधि ये भी बता रही है आपको। तो भाई देखो अपने लिए तो नया है, तो भाई अपन लेने जा रहे हैं और अभी देखते हैं भाई वहां से क्या लेकर आते हैं। मेरा तो मैंने XR का कि भाई वो मैंने पहले यूज करा है क्योंकि अभी मैं 13 यूज करता हूँ भाई। इससे अच्छा मुझे मेरा XR लगता था बट वो हाल फिलहाल में टूट गया तो इसलिए मेरे को हटाना पड़ गया उसे। बट उम्मीद है मैं निधि को XR ही दिलाने वाला हूँ और ट्राई करेंगे खुशी को भी हम XR ही दिला पाए। तो चले वेरी बैड वेरी बैड। देखा भाई, तो भाई आओ जल्दी चलते हैं क्योंकि क्या है जयपुर में तो भाई बारिश हो रही है। बाहर देखो यार जयपुर में हो रही है बारिश। देखो नीचे सारा गीला हो रखा और अब जाके थोड़ा सा सूरज दिखने लगा है। और देखो उस साइड देखो कितना काला बादल हो रहा है, उधर काला और इधर धूप। तो यानी कि अभी भी बारिश खत्म हुई है तो जल्दी से आओ चलते हैं। तो भाई हम लोग घर से निकल लिए हैं और भाई इस ब्लॉग से पहले आपको देखने के लिए जो मिलेगा वो भाई जो यानी कि मैंने डाला है, डाल चुका हूँ भाई इस ब्लॉग से पहले तो भाई वो हमने क्या करवाया, अपनी क्रूज को ट्यून करवाया है। वो भी इतने बढ़िया स्टेज पे ना, वो सब तो आपको उस वीडियो पे देखने को मिलेगा। और हमने इसमें जो ट्यूनिंग करवाई है वो क्वांटम की करवाई है जो इंडिया में बड़ी फेमस है और मेरे हिसाब से वो इंडियन ब्रांड ही है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। और बाकी यार कुछ हो सकता है कि मैं गलत भी बोल रहा हूँ, जैसे कि कुछ ब्रांड्स बाहर के भी जैसे कोड सिक्स वगैरह वो भी इंडियन ही है आई थिंक सो, कि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। बट हाँ भाई मैंने देखा तो उसकी वजह से क्या गाड़ी में इतनी बढ़िया पावर बढ़ गई है ना कि वैसी डीजल रॉकेट है, आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें टर्बो भी है। तो भाई जो अब मजा है ना गाड़ी में वो डबल हो गया। तो मैंने उसके अंदर इसके फीडबैक भी दिए और देखो भाई ये पीछे से अपनी ब्लॉगिंग कर रही है, इसे भी शर्म लिहाज है नहीं भाई, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तो भाई आओ जो अभी हम अपने काम से जा रहे हैं ना, चलो आप आपको मैं डायरेक्ट भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी। और भाई देखो ये मार्केट सोचो इतनी बंद पड़ी है लगभग, उसके बाद पार्किंग पूरी जाके फिल है। तो भाई यहाँ पार्किंग लगा दी है, भैया को चाबी पकड़ा दी कि गाड़ी हो सकता है आगे पीछे करने की पड़ जाए। और आओ अभी अंदर चलते हैं, देखते अंदर कितना रिकॉर्ड कर पाता हूँ और क्या खरीदता हूँ दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। भाई फाइनली हमने निधि को फोन दिला दिया है। फोन क्या है घर पे जाके रिवील करूंगा कि कौन सा सेट है। उससे पहले क्या है यहाँ पर ना बड़ा फेमस है आपके जयपुर में कवर किंग, तो उस पर जाके एक बार उसे थोड़ा रैपिंग वगैरह भी करवा लेते हैं। क्यों निधि रैप वगैरह करवा के सुंदर कर लेते हैं फोन को, सेफ्टी कर लेते हैं फोन का। तो भाई जल्दी खुशी के लिए भी आएंगे, हमने उन्हें बोला है कुछ बेस्ट डील आए वारंटी में तो बताना। ये देखो कैसे दुखी हो गए, इसके लिए मिला नहीं था रोले। तो भाई आओ चलो देखो कवर किंग है आपके वहाँ पर, वहाँ होकर आते हैं एक बार।
तो भाई बाहर का हाल देखो, सुबह आए थे यहाँ पर और भाई रात हो गई और बादल देखो कैसे पिंक पिंक दिख रहा है। तो भाई घर तो आपको क्या है, घर जाके रिवील करता हूँ। और भाई मैंने अपने फ़ोन पे भी करवा ली, अब इसकी इस पे तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसके लिए फ़ोटो लगा दूंगा अपने फ़ोन वाली। तो दीदी के भी फ़ोन पे भी हो गया है। अरे इसने यार यहीं रिवील कर दिया, तो अब देखना घर जाके प्रॉपर बताएंगे इसके बारे में। तो आओ घर पर मिलते हैं। तो भाई हम लोग देख रहे हो फ़ोन लेके घर आ चुके, और इसकी रैप देखो भाई कितनी प्यारी है, निधि ने रिवील कर दी थी। ये भाई है iPhone XR, और इसकी स्टोरेज मैं आपको दिखा देता हूँ, कि इसका थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक बार पासवर्ड खोल लूँ कि निधि की फेस आईडी है, बट मुझे पासवर्ड पता है। तो भाई मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ इसके फ़ोन के बारे में। तो ये देखो भाई, ये 256 GB वेरियंट है, और भाई ये क्या सेकेंड हैंड है, बट बहुत कम यूज़ हुआ हुआ फ़ोन है, देख रहे हो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। कुछ भी इसमें पता नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी क्या है हमारी फर्स्ट इनकम जो आई थी ना, उसमें क्या है बिना कुछ मिलाए ही आ गया है। तो अभी के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, और भाई XR जो यूज़र है ना उसे पता होगा भाई मेरे 13 से अच्छा कैमरा है इसका। और भाई मैं यहीं कहीं पे अपने जो मैंने सेम ऐसी नहीं कुछ अलग हटके रैप लगाई है, तो वो यहीं कहीं मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो निधि तू खुश है अपने फ़ोन से? भाई इसे घर जाना है ना, इसकी भांजी का बर्थडे देखो, नेल पेंट वगैरह कंप्लीट कर रही है। तो खुश है ना तू अपने फ़ोन से? तो खुश है ना तू अपने फ़ोन से? तो भाई अभी क्या है धीरे धीरे करके अपग्रेड कर लेंगे। जैसे मेरा फ़ोन भी पहले XR ही था, बल्कि XR भी नहीं, मैं तो 8 चला रहा था, बट अब 13 है, तो धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन हो जाता है। तो 11 किसने लिया? अच्छा ऐसा कुछ भी था क्या? तो भाई चलो इसके बाद, तो भाई चलो अब अपन लोग क्या है अगले ब्लॉग में मिलते हैं।